So, good morning to all of you. Hello friends. मेरा नाम अमित सिन्हा है और मैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के बहुत से प्रसिद्ध संस्थाओं में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा हूँ। मैंने भी 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है, 2007, 8 और 2010 में, और 2009 से ही मैंने पढ़ाने के क्षेत्र में अपने आप को डाल दिया था और तब से आज तक मैं सिविल्स की तैयारी करवा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को। और गौरतलब है कि पिछले सालों में मैंने तकरीबन से मैं कहूँगा कि 1000 से भी ऊपर बच्चों की फाइनल सिलेक्शन करवाने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान रहा है। इवेंट रैंक 1 3 सालों के 2012, 2013 और 2014, चाहे शीला अग्रवाल, हरिथाबी कुमार, गौरव अग्रवाल, ये तीनों रैंक 1 रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में और इनके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरा योगदान रहा है। खासकर मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की शैली को कैसे आप इम्प्रूव करते हैं और कैसे लिखा जाता है, तो इस कार्यक्रम में ये तीनों विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए थे। खैर, मैं आपको सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सिविल सर्विस एग्जाम के 3 पहलू हैं। पहला पहलू जो है वो है इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैं कुछ बातें आपको इस बोर्ड के माध्यम से क्लियर कट बताना चाहता हूँ। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये पहला पड़ाव है इस एग्जामिनेशन का। इसके बाद हम इंटर करते हैं मेन एग्जामिनेशन में, फिर हम इंटर करते हैं इंटरव्यू में, और ये तीनों प्रोसेस को हम पास करने के बाद यहां पे हमारा फाइनल सिलेक्शन निर्धारित होता है। जहां तक प्रीलिम्स की बात है, ये अभी आगामी दिनों में यही सबसे बड़ा चैलेंज है बहुत सारे नए युवक युवतियों के लिए जो कि सिविल सर्विस को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन जैसा कि तय है कि वो जून में होने वाला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी प्रीलिम्स 2019 में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो होता है। पेपर 2 में एक सीसेट जिसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं वो होता है। अब गौरतलब बात इसमें ये है कि पेपर 1 ही क्वालिफाइंग करवाता है और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपको देता है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। ये तकरीबन 200 मार्क्स का पेपर होता है, ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स आपको यहां ज्यादा लाना होगा ताकि आपको यहां लिखने का लाइसेंस मिले। जहां तक सीसेट का सवाल है, इसमें आपको मात्र 33% मार्क्स स्कोर करने हैं जिसके थ्रू आप मेंस में आपको अलाउ किया जाता है मेंस लिखने के लिए। तो जहां तक सवाल है, हम इस 2 पेपर के बारे में थोड़ी संक्षिप्त बात कर लें। देखिए, जीएस पेपर 1 जो है, इनफैक्ट जो आपका प्रीलिम्स का पेपर 1 जो है, जो जनरल स्टडीज का पेपर है, जनरल स्टडीज में बहुत सारे कंपोनेंट्स यूपीएससी ने डाल रखे हैं। जैसे कि मैं कुछ बात आपके सामने या कुछ इनफैक्ट
जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको समझ करना चाहूंगा। पहला, इसके अंतर्गत हम सभी को करंट अफेयर्स पे एक कमांडिंग हाइट लाना होगा। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा एक सेक्शन है, यूपीएस ने साफ साफ लिख रखा है अपने सिलेबस में कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये हम सबको जानने की जरूरत है। तो जो पहला कंपोनेंट है वो करंट अफेयर्स के बारे में यूपीएस ने कह रखा है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसके आर्ट एंड कल्चर के संबंधित जानकारियों के बारे में। तीसरा जो कंपोनेंट है वो ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही इंक्लूडेड है, वो तो दोनों ही आपको हमें जानने की जरूरत है। चौथा जो कंपोनेंट है वो है पॉलिटी। पॉलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें बहुत सारे पहलुओं को यूपीएस ने मेंशन कर रखा है, जैसे कि पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ये सारे इश्यूज आपको उसमें समझने हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमी का सेक्शन। इकोनॉमी में यूपीएस ने बहुत साफ तरीके से उन्हें मेंशन कर रखा है कि इकोनॉमी में हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज समझना है, मतलब ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज जिसका समाज पे डायरेक्ट प्रभाव पड़े। तो जैसे कि सिंपल से समझाना चाहूंगा, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, तो गरीबी रेखा जो है वो हम समझते हैं इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उसका समाज में काफी ज्यादा उसका कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है। सो इस संदर्भ में आपको इकोनॉमी भी समझना है, जिसमें आपको इंक्लूजन समझना है, डेमोग्राफी समझना है, सोशल स्कीम्स समझने हैं, कौन कौन से स्कीम सरकार ने लॉन्च किया, सर इसको समझने हैं। इसके बाद आपका आता है कॉम्पोनेंट, वो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट है, तो बताऊंगा क्यों। उसके बाद जो कॉम्पोनेंट है वो है आपका जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस जो हम सब क्लास 9-10 में पढ़ते थे या पढ़े हुए हैं, उसपे उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें पढ़ना है। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 7 कंपोनेंट्स में ये पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। अब इस 7 कंपोनेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी आपके लिए फ्रेम करता है। अब हमें समझना है कि इन 7 कंपोनेंट्स की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हमें ये समझना चाहिए कि इन 7 कंपोनेंट्स में किसकी क्या महत्वता है या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पहले समझना होगा। सबसे पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो हर साल तकरीबन आप 15 से 20 क्वेश्चंस मिनिमम आउट ऑफ 100 ये पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमें समझने हैं कि ये करंट अफेयर्स पूछा कहां से जाता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हर साल तकरीबन 10 से 12-13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी कुछ एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत भी पिछले 3-4 सालों में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी, पॉलिटी बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर सॉरी सब्जेक्ट है। अब इस पॉलिटी में भी अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में इसका जो सिग्निफिकेंस है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़ गया है, क्योंकि तकरीबन 14-15 क्वेश्चंस पॉलिटी से हर साल आते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में इसकी महत्व थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि 2000
17 में पॉलिटी से तकरीबन 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2018 का जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ है उसमें भी 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका एक महत्व थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, बट फिर भी इसको कैसे ट्रैक करना हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमी भी मोर लेस आप देखेंगे तो 10 से 12 13 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हाँ, हालांकि पिछले साल 2018 में इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस का नंबर है वो थोड़ा बढ़ गया था, तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चंस इकोनॉमी से ही थे, तो इकोनॉमी का भी इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट एक बहुत मेजर सेक्शन है यूपीएससी प्रीलिम्स के को क्वालिफाई करने के संदर्भ में। इसका साफ साफ रीजन ये है, इसका साफ साफ रीजन क्या है कि यूपीएससी ने आईएएस का एग्जाम और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम जो प्रीलिम्स के स्टेज पर होता है दोनों को कंबाइन कर दिया है। मतलब जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी आईएएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी आईएएस के एग्जाम के साथ ही प्रीलिम्स देते हैं। तो चूंकि प्रीलिम्स का एक ही क्वेश्चन हो गया है दोनों एग्जाम के लिए, इसलिए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के ऊपर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। और जो हम देखेंगे तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चंस हर साल इस सेक्शन से आ रहे हैं। पिछले साल 2018 के प्रीलिम्स में भी तकरीबन 13 से 14 क्वेश्चंस थे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से। अब हम आते हैं साइंस, सो कहते हैं जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस जो हम 9th-10th में पढ़ते थे मोरलेस हमें वही इसमें ध्यान का याद रखना है, लेकिन ये जो साइंस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर यूपीएससी का ज्यादा फोकस रहता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो पिछले साल यूपीएससी ने तकरीबन 14 क्वेश्चन पूछे थे जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा था। तो साइंस के की इंपॉर्टेंस को भी यूपीएससी ने काफी बढ़ा दिया है पिछले साल के क्वेश्चन के संदर्भ में। मतलब इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं अपनी तैयारी के संदर्भ में, करना आपको तैयार सब कुछ होगा। लेकिन मेरा हमेशा यह मानना है कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। वो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो आपका अपना स्ट्रेंथ एरिया है, मान लीजिए कि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं तो इतिहास आपका स्ट्रेंथ एरिया होना चाहिए। तो जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है वहां पे आप अपने स्ट्रेटजी के तहत उसमें अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कीजिए। मान लीजिए कि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस आए तो उस 15 में आपको स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि 15 में से तकरीबन 12 से 13 मेरा सही तो पक्का हो उस एग्जाम में। किसी किसी के लिए वो नंबर थोड़ा और बढ़ सकता है, 14 हो सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी अपनाना होगा, जहां आपका स्ट्रेंथ है पहले उसको हाईलाइट करना होगा। अब आते हैं जो आपका ग्रे एरिया है या वीक एरिया है उसको कैसे हैंडल करना है। देखो उसको हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि मान लीजिए कि मेरे लिए ग्रे एरिया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं सिर्फ बेसिक्स जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग साइंस के लिए बहुत सारे जीके के कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स या बुकलेट्स आते हैं उसको पढ़ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने पढ़ लिया रत्ना सागर, अभी एक चल रहा है आजकल क्राउन मैगजीन क्राउन बुक का काफी प्रचलन चल रहा है। तो कोई भी एक मैगजीन उठा के साइंस एंड टेक का आप जो है बेसिक चीज पढ़ लीजिए और इसको आप रिलेट कर दीजिए करंट अफेयर्स से। इतना ही करना है, इसका मतलब ये नहीं कि अब साइंस टेक के लिए आप प्लस टू और ग्रेजुएशन के बुक्स बैक पढ़ना शुरू कर दें, वो स्ट्रेटजी गलत है, उसको आपको अवॉइड करना है।
तो कहने का साफ साफ तात्पर्य है कि जो भी आपके प्रायोरिटीज हैं उसको हाईलाइट करना है कि मान लीजिए कि इस सातों कॉम्पोनेंट्स में मेरी प्रायोरिटी होंगी तीन एरियाज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लिटरेचर पॉलिटी, तो इसमें मुझे मैक्सिमाइज करना है। अगर आप रफ एस्टिमेट भी लीजिए कि सपोज ये सब में से तकरीबन 15-15 क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी एग्जाम में और आपने इसमें सब में 10-10 क्वेश्चंस आपने सेंड कर लिए, तो 10-10 भी किया आपने तो 10-10-10-10 मतलब 40 क्वेश्चंस आपके सही हो गए हैं। अब ये 40 क्वेश्चन जो सही हो वो आपको आगे बढ़ा देंगे, तो उसके बाद जो बचा इकोलॉजी या साइंस या इकोनॉमी, इसमें से कोई एक या दो कंपोनेंट आपको इतना करना है कि उसमें से 15 में से 7-8 क्वेश्चन सही हो जाए। तो मान लीजिए कि इकोलॉजी से सात आठ तो 8 और 7 15 क्वेश्चन और हो गए तो आपका सब पहुंच गया सीधा सीधा 55, ठीक है। साइंस में से अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी सही कर ली तो आपका स्कोर हो गया 60। अब देखिए 60 करने के बाद आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो कट ऑफ जाता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में वो तकरीबन 105 से 115 या 20 के आसपास रहता है। 2017 का कट ऑफ यूपीएससी ने बताया, 18 कभी बताया नहीं, 18 एग्जाम में चले गया है, इंटरव्यू अभी फरवरी माह से शुरू होने वाली है। तो जो 17 का जो कट ऑफ यूपीएससी ने बताया वो तकरीबन 107.34 था जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो 107 या 110 112 इतने ज्यादा आपको करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। उसमें आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा जिसमें आपको 7 में से 4 या 5 कॉम्पोनेंट में आपको अपना स्ट्रेंथ दिखाना होगा। स्ट्रेंथ का मतलब है कि 15 में से 12-13 सही होने चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आप इस पेपर में सक्षम हो चुके हैं जब आपको कॉल आ रहा है मेंस के लिए। फिर आते हैं सीसेट जहां पे आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें आपको 33% स्कोर करना है ताकि आपका पेपर वन जो है वो चेकिंग के लिए यूपीएससी आगे प्रोसेस कर दे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, बिना इसको क्वालिफाई किए हुए आपका ये पेपर चेक नहीं होगा। तो इस संदर्भ में ये पेपर आपको कम से कम 33% मार्क्स आपको लाना होगा। अब इस पेपर में होता क्या है मैं आपको ब्रीफली बता दूं। देखिए इस पेपर में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पे यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस आपको मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और थोड़े बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्वेश्चंस बेसिक्स नेचर के ही होते हैं लेकिन फिर भी उसके लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना अगर प्रैक्टिस ना हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका यह बैकग्राउंड नहीं रहा है। अब मैं 2 तरह के विद्यार्थियों के लिए एक स्ट्रेटजी बनाता हूं। एक जिनका मैथ्स वीक है, कमजोर है, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको अपने इंग्लिश पे अच्छा काम करना चाहिए और रीजनिंग पे वो काम कर सकते हैं आसानी से, तो इंग्लिश और रीजनिंग के बेसिस पे वो आराम से 33% मार्क्स ला सकते हैं। अब दूसरा सब होता है जो कैटेगरी उसमें मान लीजिए मैथ्स जिसका अच्छा है और इंग्लिश खराब है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको मैथ्स रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं उस पे अपना पकड़ बना के रखना पड़ेगा ताकि उसमें से आप 33% मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर लें। जब इस दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको प्रैक्टिस के लिए अपने आप को तकरीबन 5-6 महीने पहले से लगाना होगा। डेली तकरीबन 1-2 घंटा आपको अपने अपने अनुसार अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के अनुसार आपको इस पर काम करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 33% मार्क्स लाने के बाद तब जब पेपर चेक होगा, जब आपका पेपर में परफॉर्मेंस इस तरीके से रहेगा तब जाके आपको अगर 115 मार्क्स आता है अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के स्टेज के लिए। तो ये मैंने एक स्ट्रेटजी बताया कि इस पेपर का क्या महत्व है। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर को तैयारी हम और आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
धन्यवाद।